बिहार में चाय की दुकान हो और चुनाव का वक्त हो तो चुनावी सफ़र की शुरुआत लगभग उस चौराहे से ही हो पाती है। जी हाँ, इस वक्त मैं थाना बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और राघोपुर गांव में हूँ और यह गांव बूलो मंडल के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि इसी गांव में बूलो मंडल का घर भी है। शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल का घर है और यहाँ पे ये चौराहा है, जिस चौराहे पर मैं एक चाय की दुकान के पास खड़ा हूँ और यहाँ तमाम लोग खड़े हैं। परिवर्तन को लेकर के एक बड़ी बात बिहार में देखी जा रही है 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस चुनाव में आखिर होना क्या है, बूलो मंडल के ग्रामीण क्या बोलते हैं, क्या उनसे खुश हैं, नाराज हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं, या वर्तमान सरकार से क्यों खफा हैं या क्यों खुश हैं, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार मंडल। अनिल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में किसको वोट करना है? बूलो मंडल को देना है। क्यों करिएगा बूलो मंडल को? अच्छा काम किया है हम लोग के लिए। अच्छा काम किए जी हाँ, इसीलिए हाँ। अच्छा, और क्या समस्या आ रही है जो परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को कोई समस्या नहीं है, बूलो मंडल अच्छा काम किया है, बूलो मंडल को ही वोट। काम के वजह से दीजिएगा कि गांव के हैं इस वजह से दीजिएगा? नहीं नहीं, काम किया है कि काम किए हैं जी हाँ। अच्छा, ठीक बात है, काम किए हैं। इन लोगों का कहना है, बाबा आप सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, आप बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? क्या बताएंगे, कुछ भी तो बताइएगा, चूंकि वोट तो आप गिराएंगे। वोट तो गिरेबे करें। हाँ, क्या होना क्या चाहिए, जेनून बात बताना है, कोई बनावटी बात नहीं करनी है, सच को दिखाना है लोगों को। हाँ, सच को तो दिखाना है जरूर जी। तो जो सच्चा वाला काम करेगा उसी को नहीं, मतलब आपके गांव से बूलो मंडल भी हैं, इंजीनियर शैलेंद्र भी खड़े हैं, तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे और भी लोग हैं, वोट किसको देना चाहिए, उचित कौन है? उचित जो हो है उसी को वोट देंगे। जैसे उचित कौन लग रहा है अभी तक आपको? ना अभी बात कैसे कहेंगे, क्या बोले, जिसको बहुमत होगा उसी को वोट। तो बहुमत तो तब होगा जब आप वोट दीजिएगा। बस जिसका वोट गिरेगा उसी को गिरेंगे। जिसका वोट गिरेगा उसी का वोट गिरेगा। क्या नाम हुआ आपका? मंडल है, तो नीतीश कुमार से खुश हैं? हमें की बोले, जखड़ो वोट गिरते ओकरे गिरे। अच्छा हो या खराब हो, जिसको सब लोग देगा उसको आप दीजिएगा, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। हाँ। आप बताइए सर कि क्या होना चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव? इस बार विधानसभा में ये बिहार सरकार की है, केंद्र सरकार जो कर रही है सही कर रही है, उचित वही है, सरकार जो करे, जो केंद्र कर रहा है वो सही है, वोट उसी को देना। वोट उसी को देना, उसी को देना, मतलब नीतीश कुमार के शासनकाल से संतुष्ट? संतुष्ट है। अच्छा, ये 15 साल और 15 साल, हाँ, ये दोनों बात इस चुनाव में बड़ा जोर शोर से उठ रहा है, क्योंकि लालटेन भी अगले 15 साल रहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल 15 साल ये भी रहा, वो 15 साल ये 15 साल में अंतर है। क्या अंतर दिखता है? जैसे सात निश्चय योजना, 15 साल लालू के समय में ये सड़क बनी हुई थी क्या? नहीं, नहीं बनी हुई थी, इस तरह से नहीं था, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं था। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, गांव-गांव में है, गली गली में है, वो बना है। उसके बाद इसमें वो पहले तो नहीं था कुछ, अभी जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है ठीक चल रहा है। हूँ, जो कि भागलपुर के सांसद भी रहे हैं, 2014 के चुनाव में दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को पछाड़ दिया था, और यहाँ की जनता से हम रूबरू हो रहे हैं कि इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देख पा रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। हाँ, क्या लगता है इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, युवा नेता है तेजस्वी यादव, और बूलो मंडल की जहाँ तक बात रही तो करीब करीब 10 वर्ष रहे यहाँ के विधायक, बहुत बढ़िया काम किया है,
सड़क का हालत बहुत ख़राब था, बिजली हमारे गांव में नहीं थी, उन्होंने बिजली दिया, बिजली देने का काम किया, तो सड़क भी बनवाया और केंद्र सरकार ने किया। देखिए बिहार सरकार अथी विधायक की फंड से भी आता है तो वो भी काम करे, पीटीसी विधायक के फंड में आता है जी। अच्छा। और सरकार की जहाँ तक बात रही थी 15 साल नीतीश की सरकार, अच्छा, परिवर्तन आप बोल रहे हैं, वो परिवर्तन मुख्यमंत्री को लेकर के होना चाहिए कि हर सीट पर जहाँ भी जीता हुआ कैंडिडेट था जी उसको बदल देना है। जीता हुआ कैंडिडेट देखिए मुख्यमंत्री, परिवर्तन तो सब जगह होना चाहिए ना, हर जगह परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलना, सिर्फ मुख्यमंत्री के बदलने से तो नहीं होगा, मुख्यमंत्री और से भी जगह जो है वहाँ भी बदलाव होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? बदलना है तो बिल्कुल बदला, बदलना तो देखिए प्रधानमंत्री को भी बदलना है, कोई भी सरकार अगर 15 साल 10 साल कुमार से क्यों खुश नहीं है? देखिए खुश इसलिए नहीं है कि वो तानाशाह हो गया, 15 साल राज कर लिए है और वो तानाशाह हो गया है, युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं अच्छे, कोई भी वैकेंसी ले लीजिए उसको 4 साल 5 साल उसके लटकाने का काम करता है। ये तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये 10 लाख नौकरी आपको लगता है कि दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, नई सोच और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर उसने बिहार के चुनाव का लड़ने का काम किया है और बिल्कुल 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में पहली दस्तखत से देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि 10 लाख नौकरी मिल पाएगी? ऐसा नहीं होगा और ऐसा हुआ नहीं है, चाहे कोई भी मंत्री बन जाए, जनता को बहकावा है, नौकरी कहाँ से देगा? हाँ क्या हुआ, नौकरी कहाँ से देगा वो? जो सरकार है, जो सरकार है वही रहेगा, जो सरकार है वही रहेगा। जनता का बहकावा हुआ, किसी तरह से वोट लेना है। अच्छा, असेंबली में जो होगा वही होगा, वहाँ होगा कि नौकरी, तो आपको लगता है किसी कि के कहने से थोड़े ये एक जुमला है क्या? किसमें 10 लाख नौकरी एक जुमला है क्या? बहकावा हुआ तो बीजेपी भी तो बोल रही है कि 19 लाख देंगे, वो भी बहकावा हुआ, जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। ऐसे में क्या डिसीजन ले पाइएगा? ऐसे में क्या डिसीजन ले पाइएगा जब वो भी झूठ बोलते हैं ये भी झूठ बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जो गरीब आदमी है कोई देखता नहीं है, गरीब को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। हम लोग सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हृदय से अपने अपने पूछो कि आप वोट किसको दीजिएगा। वोट हम देंगे जो मेरे समाज में है, जो समाज को देखता है, हर टाइम में तैयार रहता है। हम लोग समाज बाहर नहीं जा सकते हैं तो ज्ञान से हम लोग उलो मंडल को वोट देते हैं। ज्ञान का शब्द ये मार है कि हम लड़ाई झगड़ा ऊपर से है। अच्छा, परिवर्तन तो चाहते हैं? हाँ परिवर्तन, तो परिवर्तन कहाँ कहाँ होना चाहिए? सिर्फ मुख्यमंत्री का परिवर्तन या जहाँ जहाँ जो पहले से जीते हुए कैंडिडेट थे उनको भी परिवर्तन में लाना? हाँ सबको परिवर्तन मिलेगा, भाग तकदीर अपना अपना, भाग तकदीर। आप वोट गिराएंगे तो भाग तकदीर? हम तो गिराएंगे नहीं करेंगे, हम तो आप ही के सत्य के बल पर जा रहे हैं और आप आगे देखिए सुनिए। लॉकडाउन में परेशानी भी हुई थी? लॉकडाउन में हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, सरकार ने बहुत दिया, 10,000 रुपया दिया, खाना पीना दिया, कपड़ा लत्ता दिया, अभी तक सरकार को नाम हो रहा है। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? जनता लोग मर रहा है और आप लोग दौड़ रहे हैं। अब अभी का समय जो है कोई कहता है ऐसे उसे वो बहकावा, वोट जिसका गिरेगा उसी का गिरेगा। मंडल को वोट देंगे, युवा हैं कुछ सोच करके ना बुलो मंडल के विषय में बोलते होंगे ना? हम बुलो मंडल को देवे करेंगे, गांव का कोई सोचना नहीं है, कोई सोचना है मतलब वो रहेगा वही, मतलब जो ना जो भी करता है वही करेगा। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। क्या करते हैं? करेंगे कैसे, खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं, रोजगार नहीं मिला? नहीं रोजगार नहीं मिला है। 10 लाख रोजगार में आप आइएगा? जाएंगे, जीतेगा तेजस्वी सरकार तब तो जेबे करेंगे ना। अगर नहीं दे पाया तेजस्वी 10 लाख तब क्या कीजिएगा? देगा ही, बोला है तो देबे करेगा, इसे भरोसा सब पर करते हैं तो उस पर भी एक बार करते हैं। भरोसा कर रहे हैं, एक बार भरोसा की बात है। तो ये आप देख पा रहे थे यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया। परिवर्तन शब्द है सिर्फ एक हवा की बात की जा रही है, बात दरअसल यह है कि लोग यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं और स्थानीय चर्चा पे स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो दे रहे हैं। रही बात परिवर्तन की तो वो आने वाला वक्त बताएगा जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी। तो आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ।